ट्रेडर्स, आपने बहुत सारे बाय सेल इंडिकेटर देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे। उन इंडिकेटर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जिस भी दिन मार्केट आपका ट्रेंडिंग है उस दिन तो वो सही से काम कर जाएंगे, लेकिन जिस भी दिन मार्केट आपका साइडवेज चला जाता है उस दिन बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब मार्केट वहां पे एक रेंज बना के ऊपर नीचे करते हुए साइडवेज चला जाता है तो हर जगह पे वहां पे बाय सेल इंडिकेशन आता है, लेकिन जहां पे बाय इंडिकेशन आता है वहां से मार्केट रिवर्स होकर नीचे चला जाता है, जहां पे सेल इंडिकेशन आता है से मार्केट रिवर्स होके ऊपर चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है? क्योंकि उन इंडिकेटर्स के अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल कॉन्फर्मेशन का क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि कंफर्म करने के बाद अगर हम लोग उस बाय को या सेल सिग्नल को कंसीडर करेंगे तो वहां पे उस कंफर्मेशन की वजह से हो सकता है कि वो जो गलत वाली एंट्री है वो आपकी अवॉइड की जा सकती है। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमने प्रेजेंट किया है हमारे प्रीमियम इंडिकेटर के अंदर। हमारा जो प्रीमियम इंडिकेटर है इसको हमने 2 साल पहले पब्लिश किया था, अभी करंटली 1000 से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं और मैंने खुद जैसे प्रॉमिस किया था इसका ये 3rd वर्जन अभी वहां पे हमने पब्लिश किया हुआ है जो लाइव चल रहा है, जो प्रीमियम 3.0 नाम से वहां पे पब्लिश किया गया है। तो इस इंडिकेटर के अंदर ऐसा क्या अलग है जो इसको बाकी इंडिकेटर से खास बनाता है? इसमें हमने वहां पे 3 टाइम्स कंफर्मेशन के लिए वहां पे अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए, फीचर्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं। जहां पे कहीं पे भी बाय या सेल सिग्नल आएगा तो आपको वहां पे तुरंत एंट्री नहीं करना है, जंप नहीं करना है। इसको यूज करने का जो तरीका है वो कुछ क्रिटिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जो भी लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये उनके लिए तो काम में आएगा ही, जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं वो भी समझ पाएंगे कि ये जो फीचर है इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकता है। जो लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ख्याल आ सकता है कि अरे सर आपने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया। तो हो सकता है कि ये चीज मुझसे बतानी रह गई हो, तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने आज यहां पे बनाया। तो जिनके पास इस प्रीमियम इंडिकेटर का एक्सेस अभी तक नहीं है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसका आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल पाए ऐसा ऑप्शन वहां पे रखा हुआ है। क्या है वो ऑप्शन सब कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे एक्सेस मिलेगा वो भी बताया जाएगा, कहां पे एक्सेस मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्रिटिकल एग्जांपल्स जिनके अंदर आपको सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स, ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं इसमें मैं एक वैल्यू एडिशन वाली चीज आज बताने वाला हूं आपको। आप लोग ऑलरेडी अगर इसको यूज कर रहे हो तो ये डेफिनेटली इसको और इंप्रोवाइज करेगी, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें हेल्प करेगी। देखिए ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी अगर आपने देखा है यूज कर रहे हो तो आपको इसके सारे कंपोनेंट्स पता है, लेकिन कोई ऐसा मेंबर भी हो सकता है जो फर्स्ट टाइम ये इंडिकेटर का वीडियो मेरे चैनल पे देख रहा हो, तो उसके लिए बस एक शॉर्ट इसमें मैं सारे कंपोनेंट्स पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जो जो फीचर्स इस इंडिकेटर के अंदर है वो सारे मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो प्राइमरी फीचर है इसके अंदर वो ये है कि यहां पे आपको बाय एंड सेल लेबल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि इस तरीके से आपके चार्ट पे प्लॉट होते हैं। ये बाय लेबल है, ये इंडिकेट करता है कि यहां पे कुछ ऐसे फीचर है जो बता रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, और इसके ऑपोजिट दूसरा है यहां पे सेल, जो सेल बताता है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे बाय सिग्नल आ गया तो आप तुरंत बाय कर लो या फिर सेल सिग्नल आ गया तो तुरंत सेल कर दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं यूज करना है। इसका यूज करने का तरीका ही हम लोग आज यहाँ पे सिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक और सिमिलर चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके के ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है कि ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है ये यहाँ पे अब ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाएगा, अपर साइड का मोमेंटम दिखाएगा, और जो रेड कलर का ट्रायंगल है ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पे लोअर साइड का मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ट्रायंगल्स आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको एक यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी जो एक नॉर्मल मूविंग एवरेज जैसी दिख रही है, बट वो मूविंग एवरेज नहीं है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एक फीचर है जो कि वहां पे फिल्टर आउट करता है इस ट्रेंड को। तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली बनती चलती है, इसको हमने नाम दिया है मैजिक लाइन। इसके बाद एक मल्टी टाइम फ्रेम वाला इस तरीके का टूल आपको नीचे राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे, ये सारे टाइम फ्रेम में अभी करंटली इस स्टॉक में या फिर इस स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये हम लोग सिंपली कलर के फॉर्म में बताते हैं, ग्रीन या रेड।
ग्रीन से लेकर रेड इसके बीच के शेड्स यहाँ पे बनते चलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो नीचे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम में वहां पे बुलिश ट्रेंड है। बीच में आप 30 मिनट 1 आवर पे देख सकते हो थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, तो मतलब हल्का सा वहां पे बुलिश कम है, बाकी सारी जगह पे अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इसी तरीके से अगर बेरिश वहां पे मोमेंटम है तो ऐसे कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे डार्कर रेड भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है ग्रासिंग के अंदर, तो वहां पे आपको इस तरीके से कलरिंग वहां पे दिखाई देगी। ये क्या करता है ना, ये सेकंड कॉन्फर्मेशन है कि आप जब एंट्री करने जाओगे ना तो आपको एक और यहाँ पे सपोर्ट आएगा। एक वहां पे बोलते हैं ना कि दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो लगेगा कि नहीं यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम में मेरे तरीके से ही चल रहा है, तो फिर ये ट्रेड मेरा गलत नहीं जा सकता, यहाँ पे मैं एंट्री डेफिनेटली करना चाहूंगा। इसके बाद एक इस तरीके से लेबल आपको देखने को मिलता है जो कि चार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली बनते रहता है। ये लेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, आप चार्ट पे देख सकते हो ये कंटिन्यूअसली बनता रहेगा लाइव मार्केट के साथ साथ। ये लेबल क्या इंडिकेट करता है, ये लेबल इंडिकेट करता है एक ट्रेंड को ही। अभी ये जो फीचर्स है ये सारे अलग अलग एनालिसिस की टेक्निक्स के ऊपर बनाए गए हैं, ये भी एक अलग टेक्निक पे हमने बनाया है। ये जो लेबल है ये कुछ इस तरीके से बनता है जो कि आपको चार तरीके से सिग्नल देगा, लॉन्ग, शॉर्ट, न्यूट्रल एंड रिवर्सल। अगर आप बाइंग में एंट्री लेना चाहते हो उस वक्त अगर लॉन्ग वहां पे लेबल बनता है तो आपको हेल्प मिलेगा, अगर आप शॉर्ट वाली एंट्री लेना चाहते हो वहां पे शॉर्ट वाला लेबल बनता है तो हेल्प मिलेगा, अगर आप लोग बाय या सेल करना चाहते हो लेकिन वहां पे अगर न्यूट्रल वाला लेबल बनता है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि नहीं थोड़ा सा ट्रेंड वहां पे वीक लग रहा है। और अगर बहुत बड़ा एक ट्रेंड हो चुका, एक तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, और उसके बाद अगर रिवर्सल वाला टैग वहां पे आ जाए और आपको रिवर्सल वाली एंट्री वहां पे मिल जाए, सेल सिग्नल मिल जाए एक बड़े अप ट्रेंड के बाद, और साथ ही साथ कुछ प्राइस एक्शन बन जाए बाकी के भी जो टूल्स है वो अगर कह दे, तो वहां पे डेफिनेटली रिवर्सल आएगा। इसके बाद ये जो बीच में आप लाइंस देख रहे हो, रेड कलर की ग्रीन कलर की लाइंस आप लोग देख रहे हो, ये जो है ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो इन लाइंस को, ये लाइंस जो है ये लाइव मार्केट के साथ बनती चलती है, चेंज होती चलती है। मतलब एक बार अगर कोई लाइन बन गया तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, चेंज इतना सा होगा कि देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक लाइन है जो पहले रेड था वो बाद में ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हो गया, रेड था इसका मतलब वो रेजिस्टेंस था, जैसे ही वहां पे चार्ट ने इसको क्रॉस कर दिया वो ग्रीन बन गया, उसका हो गया एसआर फ्लिप, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हो गया, जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इसी तरीके से ये जो रेड लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जैसे क्रॉस होके चार्ट नीचे आया इस कैंडल पे, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन से डायरेक्टली वो रेड हो गया, जो पहले सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, बट वो वहां से नहीं जाएगा, वो अभी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस के अंदर ही एक्चुअली इसका फंक्शनिंग छुपा हुआ है। कैसे, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। यस, देखिए ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में यूज कर रहा हूं, इसका डिटेल लेसन भी वहां पे है, इसका एक्सेस के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कौन से टाइम फ्रेम में कब ट्रेड करना है, कौन से इंडेक्स के लिए क्या टाइम फ्रेम यूज करना है, स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है, इंट्राडे के लिए क्या करना है, सब कुछ उसमें बताया गया है। अभी यहाँ पे एक चीज सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो मैंने दो तरीके के सिग्नल कहे थे, एक मैंने कहा था बाय सेल, दूसरा मैंने कहा था वहां पे एरोज, ये अगर एक साथ वहां पे आ जाए और वहां पे अगर आपको एक अच्छा स्पैन मिल जाए उसके बाद, तो डेफिनेटली बड़ा ट्रेड कैप्चर करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सेल के साथ साथ रेड कलर का एरो है, यहाँ पे बाय के साथ साथ ग्रीन कलर का एरो है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखिए कि जो बाय एरो बना और बाय सिग्नल बना, इसके बाद जो ये मतलब जो ग्रीन कैंडल पे बना, ये इसको क्लोज होने दीजिएगा, क्लोज होने के बाद दोनों सिग्नल्स वहां पे है, तो सबसे पहली चीज तो ये रहेगा कि ये कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, पहला क्राइटेरिया ये रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया आपको ये देखना है कि उसके आसपास कोई भी रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके जस्ट ऊपर ये 676 पे आपका एंट्री बन रहा है और थोड़ा सा 14 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लाइन पहले से प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली मैं वेट करूंगा कि जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक मैं एंट्री ना करूं, ना इस कैंडल का हाई टूटा ना ये रेजिस्टेंस तक हो गया, सो ये डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद नीचे 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 आया, नीचे आने के बाद ये एक सपोर्ट लेवल था, ये ग्रीन कलर में था पहले, आप देख लीजिए जैसे ही इस कैंडल ने इसको क्रॉस करके नीचे कैंडल ये क्लोज हुआ, उसी के साथ साथ सेल सिग्नल भी आया और रेड एरो भी आया। अभी ये जब बन रहा है तो ये चालू कैंडल में तो मुझे एंट्री करना है नहीं, चलो ठीक है ये कैंडल बहुत बड़ा बना कोई बात नहीं, 225 पॉइंट्स का कैंडल था, एक मिनट में ये गिरा, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि दो सपोर्ट लेवल्स वहां पे थे जो प्रीवियस वाले यहां से प्लॉट होते हुए आ रहे थे। अभी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है ये हमने वहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्लॉट होते चलेंगे, आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है वो सच है, ठीक है।
तो ये देखिए ये दोनों लेवल्स बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मेरी एंट्री एक्चुअली होगी इस एरिया में, और आप लोग देख सकते हैं कि जहां पे मेरी एंट्री हो रही है वहां से और मार्केट कितने पॉइंट्स नीचे गया, आप देख सकते हैं 300 पॉइंट। चलो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है, ये डेली नहीं कैप्चर करने को मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैसे वर्क कर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना, तो जैसे ही ये सपोर्ट लेके ऊपर गया तो एक सपोर्ट लाइन नया आया, वहां पे फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक बाय सिग्नल आया, लेकिन ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, वापस रिवर्सल आ गया, ये डिस्कार्ड हो गया। ऐसे करते करते फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया, तो ये जो सेल सिग्नल आया है यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकता था, बट मुझे वेट करना था वहां पे एरो का, जो कि मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दिया। मैं वेट कर रहा था इसके बाद कहीं पे किसी कैंडल पे एरो आ जाए तो फिर मैं एंट्री करूंगा, लेकिन वो एरो नहीं बना, ट्रायंगल नहीं बना, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। बाय सिग्नल आया, वहां पे देखिए रेजिस्टेंस था। ऐसा करते 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 वो साइडवेज चला गया। अभी देखिए यहाँ पे आया था सेल सिग्नल, साथ ही साथ आया था ट्रायंगल भी, लेकिन अगेन जो सेम मेरा प्राइमरी क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर मैं एंट्री नहीं करूंगा। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया। अभी यहाँ पे कोई बाय सिग्नल नहीं था, डायरेक्टली एरो आया तो भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसका हाई वैसे भी नहीं चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बाय सिग्नल आया, एरो भी आया, यहाँ पे इसका हाई भी ब्रेक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे इसको फ्री कैंडल नहीं बना पाया, ये दोजी कैंडल बनाया, कोई मोमेंटम कैंडल नहीं बनाया, यहाँ से रिवर्सल आया, नीचे आया, वापस बाय सिग्नल आया। अभी एरो ऑलरेडी प्रेजेंट था, मुझे वापस सिर्फ वेट करना था कि कब ये रेजिस्टेंस टूटे तो एटलीस्ट मैं ये रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट वहां पे प्लॉट कर सकूं, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा टारगेट मिलता है। टारगेट मिलने के बाद अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक नया वहां पे वापस ट्रेंड बनता है और ये ऊपर चला जाता है। और इसके बाद मतलब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना तो इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो आपके प्री डिफाइंड है, जो कि मैंने लेसन के अंदर ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, अभी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको भी पता है उस दिन क्या हुआ था, एक पूरे दिन तक मार्केट साइडवेज गया और एक डेढ़ बजे के बाद सडनली 1000 पॉइंट के आसपास का मूव उसमें आया था, 12 तारीख का वो वहां पे सीनारियो है। मैं आपको वो वाला दिन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सारे दिन में आपको वो सेम सीनारियो देखने को मिलेगा। अभी आप लोग पीछे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइंस नहीं दिख रही है, क्योंकि वो लाइंस जो है वो लाइव मार्केट के साथ साथ बनती चलती है। अभी मैं आपको वो बार रिप्ले करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको, तो मैं पहले वहां पे लेके चलता हूं जिस दिन वो मूव आया था, फिर हम लोग देखते हैं कैसे आया था। देखिए ये 12 तारीख वाला वो मूव है, ये आप देख सकते हो यहां पे, सही है। अभी मैं आपको यहां पे प्लॉट करके दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे वहां पे ये यहां पे मैं इसको लाके रख दूंगा मॉर्निंग सेशन के आसपास। तो देखिए अभी यहाँ पे लाइंस मुझे दिख रही है, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि जब मैं इसको प्ले करूंगा तो केयरफुली देखिएगा कि कैसे लाइंस ही वो उसको कैप्चर करते चल रही है, लाइंस को ब्रेक ही नहीं दे रहा है। अच्छे से देखिएगा, कोई भी लाइन को ब्रेक नहीं दे रहा है, ऊपर के साइड में भी लाइंस है, नीचे के साइड में भी लाइंस है। ये दिन भर चला और एक वक्त ऐसा आया कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था, जिसके बाद इसने इसके ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल आया, ये लाइन का भी ब्रेकआउट आया, अभी ये 150 के आसपास है, और इसके बाद का ब्लास्ट देखिए, सडनली देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल था, यहाँ पे ऑलरेडी एरो भी था, तो मतलब एक जो प्रीवियस क्राइटेरिया फुलफिल था। दिन में बहुत बार ये हुआ, लेकिन ये लाइंस के बाहर नहीं निकल रहा था। एक जो लेटेस्ट लाइन बना था ना, इसने इसके यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, ये आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट दिया, वापस एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर वहां से वो ऊपर चला गया। तो ये जो है, ये सिनेरियो मुझे कैप्चर करना होता है तो मुझे एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। अभी वापस देखिए क्या हो रहा है, वहां पे जाके एक बार मार्केट वापस थोड़े टाइम के लिए साइडवेज चला गया था, जैसे साइडवेज गया यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया, लेकिन कोई भी वहां पे रीजन नहीं बनता है यहाँ पे मुझे सेल करने का, क्योंकि इतना ऊपर जाके रिवर्सल नहीं आएगा। लेकिन जैसे सेल आया तो सेल के बाद आपको दिखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्लॉट हो गया है, उसके बाद वापस बाय एंड एरो आया, और जैसे बाय एंड एरो आया बूम, देखिए ब्रेकआउट किस तरीके से मिला आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, मतलब एक रिट्रेसमेंट लिया, और यहां से वापस वो ऊपर के साइड में चला गया। एकदम बेहतरीन तरीके से ये इस तरीके से आपका इंडिकेटर काम करेगा। अभी यहाँ पे ये जो सेल है इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, कोई भी रीजन नहीं था मेरे पास वहां पे वो सेल कंसिडर करने का। बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड समझ के मुझे वहां पे ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेंड में आपको कौन हेल्प करेगा, ये जो लाइंस है ये लाइन ही आपको हेल्प करेगी। अभी मैं इसका क्या करने वाला हूं ना, कि जब जब भी मार्केट में मुझे लगे कि कोई बेहतरीन एग्जांपल बना है, भले वो सक्सेसफुल एग्जांपल हो या फिर फेल एग्जांपल हो, वो एग्जांपल के मैं छोटे छोटे वीडियो बना के वहां पे अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपके दिमाग में वो आते जाए कि यस ये आज ये हुआ है, वो हुआ है तो अच्छा ये करना होता है, ऐसा हुआ तो वो करना होता है, ये सारी चीजें आपको तभी अपने आप अपडेट होती जाएंगी। तो ये यही एक रीजन था मेरा ये इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाने का। अभी रही बात कि ये जो इंडिकेटर है इसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, आपको अगर इसका एक्सेस चाहिए तो एक पीडीएफ मैंने वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक सिंपल सा तरीका है इसको आपको ऐड करने का, उसके लिए आपको मुझे कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप वो जो तरीका है फ्री वाला वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी मैंने वहां पर रखा है, जिस दोनों के अंदर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको हमारे लिंक से धनमय ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो कि फ्री अकाउंट है। उस पर फंड ऐड करिए, फर्स्ट ट्रेड लीजिए, एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, पीडीएफ के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। अगर इसके आगे भी आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो व्हाट्सअप पे जाके मुझे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो कि भाई इसके लिए क्या करना है, तो मैं आपको स्टेप्स आगे के बता दूंगा। और अगर आपको वो ऑप्शन मंजूर नहीं अकाउंट ओपनिंग का, तो एक अल्टरनेट ऑप्शन मैंने पीडीएफ में रखा हुआ है, आप वो यूज करके भी वहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू विजिट माई टेलीग्राम चैनल एंड चेक द पीडीएफ ऑफ प्रीमियम 3.0 बाय सेल इंडिकेटर। इट इज अल्टीमेटली एक्यूरेट इंडिकेटर। मैंने आज तक बहुत इंडिकेटर्स बनाए हैं चैनल पे पब्लिश किए, लेकिन आज तक का मेरा बेस्ट वर्क है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सो जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट ले लीजिएगा। हो सकता है ये जो फ्री वाला ऑफर है, फ्री अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको जो मिल रहा है, ये मैं बहुत ही जल्द क्लोज करने वाला हूं, उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूं। ये एक लास्ट चांस है आपको अगर इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको इनकी जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।